मैं अपना चश्मा है ना पूरा अक्का लाया था क्रैक देख के, मेरा स्पेक्स भी क्रैक हो गया एक साइड से। विद्युत जामवाल एक ऐसा एक्शन हीरो है ना जो मतलब बॉलीवुड में कोई नहीं है। अगर मैं टाइगर श्रॉफ की भी बात करूँ तो वो भी नहीं है। 70% जो बॉलीवुड में बॉडी डबल करते हैं उनके बिना ये खुद करता है ना, तो हैट्स ऑफ है। ट्रैक देख कर आ रहा हूँ मैं अभी विद्युत जामवाल का, और कहते हैं कि एग्जैक्टली माइंड से सच में क्रैक कर चुका है ये। की तरह जैसे होते हो स्टंट करने में बहुत प्यारी है। फर्स्ट हाफ अच्छा था, फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ भी अच्छा ही था, मतलब एवरेज है टोटल। फिल्म अच्छी है, स्टंट बहुत ज़्यादा है विद्युत जामवाल के, और रामपाल भी है उसमें, दोनों की केमिस्ट्री जम रही है फाइटिंग में। मैं अपना चश्मा है ना पूरा अक्का लाया था क्रैक देख के, मेरा स्पेक्स भी क्रैक हो गया एक साइड से। सीरियसली बात करूँ ना अगर मैं मूवी की, तो विद्युत जामवाल एक ऐसा एक्शन हीरो है ना जो मतलब बॉलीवुड में कोई नहीं है। अगर मैं टाइगर श्रॉफ की भी बात करूँ तो वो भी नहीं है। तो बॉलीवुड में भाई इसको आउटसाइडर क्यों बोलते हैं विद्युत जामवाल को, मेरे वो समझ में नहीं आता। हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी ये मूवी के मेरे लिए, बट कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाई। एक वो भी चीज़ है कि स्क्रीन प्ले काफ़ी थोड़ा लो था, बट विद्युत जामवाल का एक्शन काफ़ी अच्छा है, मानना पड़ेगा। जिस तरह से बंदा जो खुद के स्टंट करता है ना, 70% जो बॉलीवुड में बॉडी डबल करते हैं उनके बिना ये खुद करता है ना, तो हैट्स ऑफ है। मज़ा आया मूवी देख के। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग अच्छी है, विद्युत का एक्शन अच्छा है, और नोरा फतेह की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिर्फ उसका ग्लैमर अच्छा है। हाँ, तो अगर देखना चाहते हो तो सिर्फ उसका ग्लैमर देखना। ट्रैक देख कर आ रहा हूँ मैं अभी विद्युत जामवाल का, और कहते हैं कि एग्जैक्टली माइंड से सच में क्रैक कर चुका है ये। पिक्चर्स और गेम से रिलेटेड पिक्चर्स था, तो कभी कभी थिएटर में खुद लग रहा है कि जैसे हम लोग फोन में कभी कभी गेम खेलते हैं, सेम वही थॉट ऑफ प्रोसेस में हम चले जा रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। इस पर कई सारे लोग हैं इस पिक्चर्स में जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। मैं क्रैक देख के आ रहा हूँ। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, और जो उनके भाई थे निहाल बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और डायरेक्शन बहुत कमाल की आदित्य दत्त सर की। पूरा फुल एक्शन ही मूवी है, जो कि आप रेटिंग कर बोलोगे तो 10 out of 9 कर सकते हो एक्शन में। बाकी स्टोरी अगर आप रिलेट करोगे तो ये एक वेब सीरीज आई थी स्क्वाड गेम, उससे रिलेट होती है। 5 out of 4। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गए हैं इस पिक्चर्स के, और सबसे अच्छी बात है कि मतलब इस वीक से पता नहीं कैसे कि एक बम्पर चल रहा है 99 99 100 की टिकट्स की, तो मुझे लगता है अब तो थिएटर आओ भाई, अब तो पिक्चर्स देखो 5 में से 5। कैसी लगी? अच्छी है, एवरेज मूवी है। इतना रामपाल बेस्ट है। की एक्टिंग में हम थोड़े निराश हो गए, ग्लैमर गए लेकिन ग्लैमर दिखाया नहीं उसने। दोनों एंगेजिंग थे, हम तो देखिए ये फिल्म एंटरटेन के लिए बहुत थी, सीखने के लिए बहुत थी, एक्शन बहुत था, तो दोनों पार्ट एंटरटेनिंग है। सिनेमा एंटरटेन के लिए बनता है, बहुत बाखूबी बनाया है, और विद्युत भाई जैसे कह लें कि एक क्या शब्द प्रयोग करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेहनती हैं वो, तो जो फिल्में बनाते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ज़रूर देखने आए, मेरा तो यही मानना है कि ज़रूर देखने आए, बहुत अच्छी फिल्म है। इस मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार बिकॉज ऑफ विद्युत जामवाल।